Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से। मथुरा में थाना आईबी के मंडी चौकी क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार थाना हाईवे के अंतर्गत रहने वाले 14 वर्षीय किशोरी सफाई का कार्य करने के लिए माहौली रोड के लिए जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने लिफ्ट देकर किशोरी को अपनी कार में बैठा लिया। कुछ दूरी पर युवकों ने अपने एक और साथी को कार में बैठाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर जब लड़की के बारे में पूछताछ की गई तो बताया गया कि लड़की नाबालिग है और उसकी माता का देहांत हो चुका है, पिता मंदबुद्धि बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लड़की के पड़ोसियों के द्वारा कुछ बातें अलग अलग तरीके से बताई गई जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह होगा क्या कुछ इस मामले में खुलासे हो पाते हैं। सत्यता का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। आज सायंकाल एक लगभग 14 वर्ष की पीड़िता के पिता द्वारा थाना हाईवे पर आकर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि कल 4 नवंबर को उसकी पुत्री प्रातः 10 बजे सफाई का कार्य करने के लिए घर से माहौली रोड जा रही थी तो रास्ते में पड़ोस के रहने वाले नामित दो अभियुक्त गणों ने उसको अपनी कार में लिफ्ट देकर बैठा लिया जिससे वह पूर्व से परिचित थी। इस तदोपरांत उन्होंने अपने एक अन्य साथी को गाड़ी में रास्ते में बैठाया और पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया तथा उसके साथ दुराचार किया। इस सूचना पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। नामित दो अभियुक्त गणों की तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, अन्य वैधानिक कार्यवाही जारी है। मेरा नाम राजेश है। कहाँ के रहने वाले? पाटका कॉलोनी मौजा गिरदरपुर। अच्छा, क्या कुछ घटना हुई है, किस मामले को लेकर के आज आप यहाँ आए? घटना ये हुई है कि दो दिन पहले लड़की उठाई है हमारी कॉलोनी के बराबर की कॉलोनी में से। हमारी कॉलोनी में जाटअप का रहता है उसने। क्या नाम है उसका? राहुल। नाम क्या है? राहुल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लड़की को उठा के ले गए गाड़ी में डाल के, एक छोटे से बच्चे ने देखी है। बियर दारू, उसको लड़की को दारू पिलाई है, बियर पिलाई है, उसके साथ में दुष्कर्म किया। नाबालिग थी। आप हमारी एक बात का जवाब दीजिए। दो दिन से आपकी बच्ची घर से गायब है, वो उसकी रिपोर्ट कोई सूचना देने के लिए थाने को नहीं आया? पता ही अभी थोड़ी देर पहले चली है लड़की, जब नशे की हालत में तब उसने पहचाना। उसकी माता नहीं पिताजी है, वो पिताजी बेचारे, वो मतलब ऐसे नहीं है, बीमारी के मारे, बीमारी है। और ऐसा नाबालिग बच्चे, अब क्या घटना घटी है उसके साथ में ये बताए। दुष्कर्म किया गया है और हम यो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो सर, और ये इनको फांसी दी जाए। ऐसा नहीं है, ये इनको छोड़ दिया जाए थाने से ही, चौकी से, ये योगी जी के पास जाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें तो ये राहुल है, अभी तो मैटर ये राहुल का ही आया है, और जो भी बंदे होंगे ये अपने आप बताएगा। राहुल, राहुल के पिताजी क्या नाम है? राहुल आपका? मैं सत्येंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? बाटका। अच्छा, आज कुछ मामला आया है 13 साल की लड़की के संग में बलात्कार, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे? अभी अभी आया था थोड़ी देर पहले जी, तो मैंने कॉलोनी में कुछ लोग बता रहे थे और कुछ पूछा भी है, पूछने के बाद पता चला कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार सही बता रहे हैं और रियल घटना है। अच्छा, किस किन लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया? ये कोई 4 जाटों के लड़के हैं। क्या क्या नाम है उनके? नाम उनका मुझे नहीं मालूम है जी। और लड़के 2 पुलिस की गिरफ्त में हैं, बाकी 2 को पुलिस तलाश कर रही है। 4 लड़कों ने लड़की को शाम को कल उठाया था, रात भर उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद में सुबह उसको नर्सरी वार्ड पर डाल दिया।